हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स और हमारा टॉपिक है लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ठीक है, तो हमें जैसे हमने कि कल के एक्सरसाइज में हमने सीखा था कि हमें कैसे संख्याओं की तुलना करनी है और उन चिन्हों का कैसे इस्तेमाल करना है, तो आज इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कि उन चिन्हों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे आप कुछ संख्याएं दी गई हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे ऊपर आपको दिखा रखा है कि जैसे ये दो संख्याएं हैं। अब इन दो संख्याओं में कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, उसको हमें देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा कि हमें इस चिन्ह को जो लगाना है उसको किस तरीके से लगाना है। देखिए, आप ये देखिएगा कि जो चिन्ह है उसका एक तरफ से मुँह खुला है और एक तरफ से बंद है, तो हमेशा जहाँ बंद है वो छोटी संख्या की तरफ रहेगा और जहाँ से खुला है वो बड़ी संख्या की तरफ रहेगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ चिन्ह खुला है तो यहाँ पे बड़ी संख्या है और यहाँ छोटी संख्या है, और जो समान संख्याएं होती हैं उनके लिए ये वाला चिन्ह हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से आइए इसको हम सॉल्व करना सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ही संख्या दी गई 80 और यहाँ क्या दिया गया 92, तो हम जानते हैं कि जो बड़ी संख्या है उसकी तरफ ऐसे मुँह खुला रखते हैं और छोटी की तरफ ऐसे। इसी तरीके से हम इसको करके देखेंगे, इसमें क्या है 212 और ये 148, तो इसमें बड़ी संख्या ये है और छोटी संख्या ये है, तो बड़ी संख्या की तरफ मुंह खुला रहेगा और छोटी संख्या की तरफ बंद। ठीक है, और इसी तरीके से हम अगला देखते हैं, यहाँ क्या है 172 और यहाँ भी क्या दिया गया 172, तो हमने पहले सीखा था कि जो समान संख्या होती है उसके उसके लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम, ये वाले का। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ये वाला चिन्ह। तो बच्चों, आपने देखा हमने किस तरीके से चिन्हों का इस्तेमाल किया और संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है ये सीखा। तो बाकी के सवालों को भी आपको अपनी वर्कबुक के अंदर इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बच्चों। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।